वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम बनाएंगे मैगी। तो मैगी कैसे इजीली बना सकते हैं घर पे, तो आज हम बताएंगे। तो आज ये वाला मैगी बनाएंगे, एक की मैगी। तो देखिए, सो दोस्तों मैगी बनाने के लिए हमने यही सब आइटम लिया है। जो जो लिया मैं बोल देता हूँ। मैंने मैगी बनाने के लिए एपी का एक नूडल्स लिया, मैगी नूडल्स। उसके बाद दो अंडा, एक बड़ा साइज का प्याज हमने चॉप कर लिया। उसके बाद दो ग्रीन चिल्ली काट लिया, काट के चॉप कर लिया। इसके बाद हमने टमाटो लिया, एक बड़ा साइज का टमाटो, इसको काट के चॉप करके छोटे छोटे क्यूब कर लिया। अभी स्वाद अनुसार नमक ले लिया, इधर जितना नमक स्वाद में चाहिए उतना नमक डालिए। इसके बाद हमने एक गिलास वाटर लिया। अभी चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग गैस लगाएंगे। गैस लगा लिया, इसके बाद पैन चढ़ाएंगे। पैन को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। दो अंडा रखा है, इसको तोड़ के डालेंगे। अभी अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी अंडे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें ग्रीन चिल्ली डालेंगे। इसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से पका लेंगे। अभी टमाटो को चॉप करके रखा था, टमाटो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। अभी प्याज टमाटो ग्रीन चिल्ली अच्छे से पक चुका है। अभी हम लोग मैगी कट कर डालेंगे। फायर थोड़ा सा स्लो कर देंगे। देख सकते हैं कैसे अच्छे से पक चुका है। तो देख सकते हैं हमने मैगी को पैकेट से निकाल लिया है। अभी इसका जो मसाला है, ये वाला मसाला देखिए, इसको भी मैंने काट के रख लिया। अभी मैगी को मसाला में अंदर डालेंगे पैन में। मैगी को पैन में डाल दिया। अभी पानी डालेंगे, ग्लास में जो पानी रखा था वो पानी डालेंगे। अभी फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। इसके बाद हमने जो मसाला कट के रखा था, मैगी के अंदर जो था मसाला, उसको डालेंगे।
मसाला अंदर डाल दिया, तो अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तभी इसको अच्छे से पका लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा मैगी बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे। अभी इसको निकाल लेंगे प्लेट में, ये वाला प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी नूडल्स रेडी हो गया, अभी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गाइस अभी प्लेट में निकाल लिया मैगी को, तो अभी ये खाने के लिए रेडी है। तो देख सकते हैं कैसे इजीली उन्होंने मैगी बनाया। तो होप यू आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।